प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शिलांग, कई परियोजनाओं का अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र कर्नाटक के सीएम की बातचीत हो गई सार्वजनिक, सीमा विवाद पर अजित पवार की मांग। गोंडा में बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मंडला मुजने हेमा फूका गया पुतला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने की तिथि निश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। राजधानी में सीएम योगी आदित्यनाथ का लोकभवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देते हुए बधाई दी। साथ ही सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हर प्रतिभाशाली युवा को मिल रहा है मौका और हर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था के साथ पहले युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकार में रोजगार नहीं मिलता था, युवाओं के साथ भेदभाव होता था। साथ ही कहा कि हर स्कूल में स्वच्छता के लिए काम करना होगा, भारत शिक्षा के केंद्र के रूप में है। होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं। लखनऊ के होटल हयात में I-30 लर्निंग सेंटर और ग्रेविटी क्लासेस की तरफ से भारत में पहली बार MIT USA में विकसित प्रीमियम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम से यहां छात्रों को MIT और USA के विकसित प्रोग्राम को सीखने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा। वहीं इस प्रोग्राम के लिए होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं अशफाक हूँ, ग्रेविटी क्लासेस का डायरेक्टर। देखिए, हमारा जो ग्रेविटी क्लासेस का परफॉर्मेंस नीट और JEE में रहा था पिछले 6-7 सालों में, वो आई थिंक पूरे स्टेट में तो बेस्ट है। अब हमें एक नीड थी कि हम जो प्री फाउंडेशन लेवल है क्लास 6 से लेकर 10 तक, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें और पूरा वर्ल्ड क्लास उसको बना दें। तो उस नीड को पूरा करने के लिए हमने इस प्रोग्राम के लिए टाइप किया I-30 से, जिसमें कि USA का बहुत फेमस वर्ल्ड वाइड रिनाउंड इंस्टीट्यूट है MIT, उसके प्रोफेसर मिस्टर राजेश नायर जो हैं, उन्होंने जो प्रोग्राम डेवलप किया है 0 to Maker, मतलब बच्चा 0 से मेकिंग में आ जाएगा, 0 to Maker एंड 0 to Entrepreneur, इन दो प्रोग्राम्स के लिए हमने टाई अप किया है। इन दो प्रोग्राम्स के साथ प्लस हमने ग्रेविटी ने जो अपना प्रोग्राम डेवलप कर रखा है जूनियर क्लासेस के लिए, अगर मिला देते हैं तो यूनिक, मतलब एक यूनिक प्रोग्राम बनता है, दैट इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। और ये आई थिंक हमारे बच्चे अब वही सब कुछ कर पाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री के बच्चे कर रहे हैं जूनियर लेवल पे। आई एम कर्नल राजेंद्र प्रसाद नडेला, बेंगलोर बेस्ड एडटेक कंपनी, उसका फाउंडर CEO हूँ। आई स्कॉलर नॉलेज सर्विसेज बोलते हैं। I-30 लर्निंग सेंटर ब्रांड नाम पे ऑल ओवर द कंट्री 150 सेंटर चलाते हैं। हम ये मानते हैं कि हर एक स्टेशन में बेस्ट रिजल्ट के लिए लोकल पार्टनर होना चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करने से फायदा होता है। इसलिए लखनऊ में ग्रेविटी क्लासेस अशफाक सर है, उनके साथ जुड़ के यहाँ प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। सिमिलरली ग्रेविटी क्लासेस को बाकी स्टेट में भी एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। आज का स्पेसिफिक प्रोग्राम क्या है, MIT से जो रिसर्च 10 साल का रिसर्च के बनाया हुआ है 0 to Maker 0 to Entrepreneur, वो प्रोग्राम इंडिया में सबसे पहले हम लखनऊ में लॉन्च कर रहे हैं। एंड इसमें अशफाक सर का इंटरेस्ट भी काफ़ी उसमें वेट किया, एंड US का प्रोफेसर इन पर्सन आए हुए हैं। तो कल से हमने एक वर्कशॉप चलाया, हमने देखा, आपने भी देखा कि सामने बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं
करीब डेढ़ दिन की काम से उन्होंने इन ए वे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी सीख लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखा, कोडिंग सीखा, ये सब अप्लाई करके कुछ प्रोजेक्ट बना के स्टेज के ऊपर आके इतने सारे गैदरिंग के सामने डिस्प्ले कर पा रहे हैं। ये इस प्रोग्राम का खूबसूरती है। हम चाहते हैं कि काफ़ी सारे स्कूल इसके साथ जुड़े और यूपी के अंदर बच्चे इनको उसको इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हो। गोंडा में मंडल अध्यक्ष संजय सिंह विशेन की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन करते हुए विदेश मंत्री का पुतला फूंका गया। इस दौरान बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारे लगाए गए। बता दें कि पाक विदेश मंत्री के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान के बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं गोंडा में हुए विरोध प्रदर्शन में प्रमोद पांडे, शीतला प्रसाद आजाद, सुरेश दत्त तिवारी, हरीश कश्यप, रामनाथ गुप्ता समेत कई लोग धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। वास्तव में वो पाकिस्तान की खुद जो है सद्दाम हुसैन की जन्म भूमि रही है और वहाँ पे आतंक होते रहे हैं, वो उसी निगाह से देख रहा है। इस वजह से जो ये जुड़ा की इसके लिए हम लोग पूरी महिला शक्ति और हम लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध करते हैं। इसके बाद कोई और कार्यक्रम है क्या, पुतला जलाने या कुछ जुलूस वगैरह? हम सभी खड़े हैं और मंत्री का पुतला जलाकर और उसको उसका विरोध हम आग्रह करना चाहते हैं की तरफ सर उठाया है, कोई अपमान की है तब तक उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। पहली बार भारत की तरफ नजर उठाई, पहली बार प्रधानमंत्री की पार्टी पड़ेगी। नतीजा ये हुआ कि हमारे लड़बाकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर सच का स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान के हिस्से को तबाह किया। पाकिस्तान ने दूसरी बार सर उठाया, दूसरी बार आवाज उठाई, प्रधानमंत्री की उनको चुनौती दी। परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के सीने पर फूट रखकर धारा 370 को खत्म कर दिया गया और कश्मीर हमारा तो अविभाज्य अंग हो गया। पाकिस्तान ने तीसरी बार आवाज उठाई, तीसरी बार हिमाकत की है, दूसरी बार दुस्साहस किया है। हमें मान कर चलते हैं कि पूरे भारत से जैसी आवाजें उठ रही है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके खिलाफ जन आक्रोश है और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में इस तरह का धरना प्रदर्शन का है। पुतला जलाने का भी कोई कार्यक्रम है? जनता का आक्रोश है, अपने नेता के ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नौजवान साथी हैं, जिस तरीके से भी हो सकता है अपना विरोध प्रदर्शन कर इसमें निकला जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई विवादित टिप्पणी को लेकर लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे देश में अलग अलग जगह बिलावल भुट्टो के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किए हैं और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए हैं। कई जगहों पर बिलावल भुट्टो के पुतले और जूतों की माला पहनाकर उनकी शव यात्रा निकाली गई और जूतों से पिटाई कर उसके पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पाक के विदेश मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ में, इसी के विरोध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धानीपुर कस्बे में मुजाहना मंडल के अंतर्गत उनका पुतला जलाकर विरोध किया गया है और ये एक संदेश दिया गया है कि पाकिस्तानियों अपने लिमिट में अपने औकात में रहो। और ये जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है ये बहुत ही अभद्र भाषा है, बहुत ही निंदनीय है। हमारे देश के सभी भारतवासियों को ये सबसे चीज है, बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से अपमानजनक जो बयान दिया है इसे सारे देश भारत देश जो आक्रोशित है, कोई सारी पार्टियां कांग्रेस बीजेपी जितना भी सारी पार्टी जो है क्रोशित है और उसको हम लोग कड़ी जवाब देंगे, ईंट का पत्थर से जवाब देंगे हम लोग और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करने के भारत के नागरिक मांग रही है। देखिए भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भारत के इन्हीं विदेशों में पूरे वर्ल्ड में जिस लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की, उसको देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारत में हर बच्चे बच्चे के अंदर इतना रोष है कि हम बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान की सरकार से मांग करेंगे उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसको कड़ी कड़ी कार्रवाई के तहत उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक की गई। बैठक में निर्माण कार्य पर चर्चा की गई। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण निश्चित समय से 2 माह पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। इसकी नई डेडलाइन अक्टूबर 2023 तक तय कर दी गई है। इसके साथ ही मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी तैयार हो जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2023 का लक्ष्य तय हुआ था। वहीं ये जानकारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए
तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट महासचिव ने दी है। मंदिर कितनी ऊंचाई तक चला गया है, पहला मंजिल 19 फीट है, उसके ऊपर बीम रखे जाएंगे तो वो 10 फीट से भी अधिक हो चुका है। हर काम को इस रूप में देखा जा रहा है कि ये कार्य किसी भी प्रकार अक्टूबर 2023 तक पूरा हो, ताकि हम प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय कर सके। खबर औरैया एरवा कटरा से है, जहां दोआ माफी में दुर्वासा ऋषि के मंदिर प्रांगण में विशाल एक माह का चलने वाला मेला आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज मेला मालिक कश्मीर सिंह व उनकी पत्नी सरिता देवी ने जिले भर से आए जनप्रतिनिधियों का शाल उड़ाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरी ने कहा, मैंने मेला ग्राउंड के सौंदर्यीकरण के 21 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है, बहुत जल्द एक काम शुरू हो जाएगा। जो निधि है और प्रधान में तो हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हैं। मैं पिछली बार आया था तो मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ निधि दी जाएगी, तो लगभग हमने 21 लाख की निधि दे दी। अगर ये मेला में हम 1 जनवरी को आते तो मेरा 1 जनवरी को सारा काम दिखता हुआ मिलता, ऐसा हमने कल्लू यादव जी को और कश्मीर भाई साहब को बताया था। हमने लगभग 21 लाख का काम दे दिया है, जो अगले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा। और अब हम सभी इसको उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ ये दोनों पौराणिक और पर्यटन स्थल घोषित किए जाए, इसके लिए लिख के दिया गया है। और शासन ने दोनों ही मंदिरों के लिए 25 लाख प्लस की धनराशि आवंटित की है, इनके क्रिया माने कायाकल्प के लिए, जो भवन है उसके सुंदरीकरण के लिए, चाहे रघुनाथपुर हो, चाहे अब समय कितना लग जाए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, लेकिन दोनों जो जीर्ण शीर्ण भवन है उनका जीर्णोद्धार होगा, पानी की समुचित व्यवस्था होगी, सड़कें नालियां ठीक होंगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर बोहरे हरि सिंह महाविद्यालय में एक छात्र की पिटाई की गई। जानकारी के मुताबिक छात्र पेपर देने के लिए महाविद्यालय गया हुआ था, वहीं पर छात्र से नकल कराने के नाम पर पैसे मांगे गए, जिसका छात्र ने विरोध किया। विरोध करने पर छात्र को जमकर पीटा गया। बता दें कि छात्र इगलास के ही चौधरी विजेंद्र सिंह महाविद्यालय में ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा है। इस मामले की शिकायत थाने में की गई, जिस पर कोतवाल विजय कुमार के द्वारा जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह होगा छात्र को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। तो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? चौधरी विजेंद्र सिंह में पढ़ता हूँ, वहाँ से सेंटर गया है बोहरे हरि सिंह, उन्होंने पैसे मांगे, मारपीट की, 500 रुपये छीन लिए, 5000 रुपये और मांग रहे थे चीटिंग के नाम पर। और प्रिंसिपल था, उनके 2 बच्चे थे, उनने मारपीट की, दोनों ने रात भूल से डंडे भी बरसाए, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। और 2-4-5 लोग और थे उनके साथ, वो भी थे। औरैया जिले में कच्ची शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए विधुना तहसील के किरतपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, छापेमारी के दौरान 1000 लीटर का लहन नष्ट कर दिया गया है, साथ ही साथ 20 लीटर कच्ची शराब भी मौके से बरामद की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। ये मेरे द्वारा आज सवेरे जो है आदर्श नगर, ये जो बस्ती है एक कच्ची, इस पर की गई है। इसके बाद जो है कीरतपुर में की गई है, और कीरतपुर से लगा हुआ 2-1 भट्टे हैं, उनको देखा गया है, जिसमें जो है करीब जो है 20 लीटर के आसपास तो कच्ची शराब मिली है, और करीब 1000 केजी से ऊपर ही जो लहन है जिसे मौके पर नष्ट किया गया है। किस तरीके से लोग बना नहीं, इन लोगों का कारोबार है, ये लोग तो कई वर्षों से ये लोग, इनका यही कार्य है, इन लोगों के पास और कोई दूसरा धंधा नहीं है, तो हम लोग अक्सर आकर के इन लोगों का जो है ये। बता दें कि 20 लीटर कच्ची शराब भी मौके से बरामद की गई है। खबर औरैया से है, जहां कच्ची शराब के खिलाफ एक्शन और छापेमारी की गई, 20 लीटर की कच्ची शराब भी मौके से बरामद कर ली गई है।
और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद हमारे साथ जुड़ेंगे। जाहिद, प्रशासन की तरफ से कच्ची शराब पर एक्शन लिया गया है, क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दें कि बिजुना के तिरतकपुर गांव में आज सुबह ही आबकारी विभाग द्वारा जो टीम चलाई गई, इसमें 1000 लीटर शराब को नष्ट किया गया। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी बिहार में ही कई मौतें जहरीली शराब को लेकर हुई, उसी को लेकर आज आबकारी विभाग टीम व पुलिस विभाग की टीम द्वारा नगर में छापेमारी अभियान चलाया गया है और ये अभियान हर वक्त चलता रहेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।